Hello students, in today's video lecture we are going to talk about different types of redox reactions. Okay, now there are four types of redox reaction. They are combination, decomposition, displacement and disproportionation. Okay, we'll discuss each one of them one by one. So sabse pehle aa jaate hain hum combination reaction pe. Okay, combination reaction. Okay, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं. तो लॉजिकली जो आपका रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो पहले हम एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. ऑल्दो हमने पहले पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंबाइन होना मतलब आपस में जुड़ना. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और जस्ट कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर एंटिटीज या स्पीशीज या सब्सटेंसेस जब वो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, नंबर वन, अगर उसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट इज उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और दूसरे एलिमेंट का एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रही है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया. ठीक है, एक बहुत इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ. ठीक है, मैं इन सब पे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेती हूँ. कार्बन इज अ नेटिव स्टेट, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो. ऑक्सीजन भी नेटिव स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो. यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू. लेट्स से आपको एक्स का नहीं पता कार्बन का, तो आप उसको एक्स ले लो. एक्स प्लस दो ऑक्सीजन है, सो टू टाइम्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो आपका कार्बन क्या आ गया, प्लस फोर. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस फोर. आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन में देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. कैसे लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ क्या हो रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन को देख रहे हैं आप, जीरो से क्या हो गया है, माइनस टू. सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई है, रिडक्शन. ठीक है, एक तो ये रिडॉक्स हुआ, उसके बाद दो चीजें कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी हुआ. सो इट्स अ टाइप ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन. कौन सा वाला, कॉम्बिनेशन. अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप. तो उसी तरह सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, डीकम्पोज होना मतलब जब एक चीज के टुकड़े हो गए और वो अलग अलग चीजों में बट गई. ठीक है, सो व्हेन वन सब्सटेंस इट डीकम्पोजेस और इट डिवाइड्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इनटू टू और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर लेते हैं. H2O को जब डीकम्पोज हुआ इट गेव यू H2 प्लस ओ टू. ठीक है, राइट, यू कैन बैलेंस इट हेयर. अब आप यहाँ इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो. यहाँ पे हाइड्रोजन इज प्लस वन, हम काफी बार कर चुके हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा. ऑक्सीजन इज माइनस टू, हाइड्रोजन इज जीरो, ऑक्सीजन इज जीरो. हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस वन क्यों है, बिकॉज इट इज कंबाइनिंग विद अ नॉन मेटल, सो एज पर द रूल्स. अब कैन यू सी हेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, देर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. ठीक है, वेयर एज आप अगर ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का माइनस टू से बढ़ के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो गया, सो देर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई. दैट मीन्स ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है. एंड नंबर टू, इसमें एक जो सब्सटेंस था वो बट के अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, तो डीकम्पोजिशन भी है. तो ये किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, आपको समझ आ गए ये दो टाइप्स. अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल सेम है जैसा आपने जूनियर क्लासेस में किया था. सो डिसप्लेसमेंट रिएक्शन. डिसप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा? अगर आपको याद हो एग्जांपल हम पढ़ते थे कि जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक रॉड डालते हैं तो जिंक एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करता है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के फेंक देता है और उसकी जगह ले लेता है. ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही किस तरह का हुआ, इट इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने एग्जांपल लिया, जिसमें अ मोर रिएक्टिव मेटल, एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज गिविंग यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, किस तरह का रिएक्शन है, इट इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिएक्शन. ठीक है, इसमें आपको इसके पता है प्रोज एंड कॉन्स पता है, हाउ डज इट हैपन, मोर रिएक्टिव मेटल, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल या टेक्स द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, हमने पहले भी कई बार एग्जाम्पल पढ़ा है, जो जिंक है वो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के फेंक दिया जो उससे वीक था. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, आपको आपके रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो, नीचे मैं काफी बार करा चुकी हूँ, एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं. So on. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था और जिंक ऊपर है. जो ऊपर की तरफ होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, नीचे की तरफ जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव. तो जो ऊपर की तरफ मेटल था उसने नीचे वाले को निकाल के फेंक दिया. उसी तरह वी कैन ऑल्सो हैव अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, राइट, उसमें भी सेम हो जाएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो कम वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से फेंक देगा. ठीक है, राइट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आ जाते हैं अपने, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा ही देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, जैसे हम हैलोजन्स ले लेते हैं, आप ये प्लस टू में पढ़ोगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड में. ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया के बी आर, इसमें जब मैंने क्लोरीन ऐड की तो आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या करने वाली है, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को हटा देगी. ठीक है, उसमें उस कंपाउंड से निकाल के फेंक देगी और उसकी जगह ले लेगी. ठीक है, राइट, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल था उसने कम रिएक्टिव नॉन मेटल को फेंक दिया. ठीक है, यू वॉन्ट यू कैन बैलेंस इट हियर, यहाँ पे आ गया टू और यहाँ पे आ गया टू. ठीक है, सो दीज वर द थ्री. अब हम एक नई कैटेगरी इसमें पढ़ेंगे, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इसका आपने नाम नहीं सुना हुआ, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप इसके काफी एग्जाम्पल्स प्लस टू में पढ़ोगे पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. ठीक है, सो द फोर्थ वन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. मैं आपको डायरेक्टली पहले एग्जाम्पल पे आती हूँ, उसकी मदद से आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2. ठीक है, सो इट डीकम्पोजेस टू गिव यू H2O+O2. ठीक है, सो अब मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख रही हूँ. आपको मैंने बताया था पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1. ठीक है, भूलना नहीं है बेटा. हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि वो एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है. दिस इज वाटर, सो यहाँ पे ये -2 हो गई
और यहाँ पे ये प्लस वन, ये ऑक्सीजन की नेटिव स्टेट है, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब आप देखिए हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में भी प्लस वन थी और प्रोडक्ट्स में भी प्लस वन है, सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। बट हाउ इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन से बढ़ के जीरो हो गई, सो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय वन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है ना। बट कैन यू सी हियर एट द सेम टाइम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन से कम होके माइनस टू भी हो गई है, दैट मीन्स देर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। दैट मीन्स ऑक्सीजन की रिडक्शन भी हुई है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन तो है, बट ये एक स्पेशल केस है। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द एलिमेंट्स, इनमें से एक ही एलिमेंट है, वन ऑफ द एलिमेंट्स इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या हुआ, जिसमें एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लोरीन गैस ले ली और उसको मैंने एल्कली से, मैं एल्कली ले लेती हूँ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे ट्रीट कराया, ठीक है। सो मेरे को क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट NaCl, ठीक है, प्लस Na सोडियम क्लोरेट NaClO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और मुझे बताना है ये किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इट्स नॉट कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट डीकम्पोजिशन, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या ये रिडॉक्स है भी, यहाँ पे देखिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन इज माइनस टू, सोडियम इज वन, क्लोरीन जब आप एट एक्स लेके कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है प्लस फाइव, ठीक है। सो कैन यू सी हियर क्लोरीन का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है। एट द सेम टाइम क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से कम होके माइनस वन भी हो गया, दैट मीन्स इसकी यहाँ पे रिडक्शन भी हुई है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। सो व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच ओनली वन एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। एक बारी हम वापस आते हैं अपने पहले वाले पे, यहाँ मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना भूल गई थी, यहाँ जीरो है, दिस इज प्लस टू, दिस इज माइनस टू, दिस इज अगेन प्लस टू, माइनस टू एंड जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट तो है पर रिडॉक्स क्यों है, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के जीरो से प्लस टू हो गया, तो जिंक की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे कॉपर का प्लस टू से कम होके जीरो हो गया है, तो कॉपर की क्या हो गई है, रिडक्शन। इससे एक चीज और पता लगती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल था उसकी ऑक्सीडेशन होती है और लेस रिएक्टिव मेटल की रिडक्शन होती है, ठीक है। सो ये हो गए आपके फोर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।